इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिवाली का तांडव देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले शहर शहर बर्बादी की आग देखने को मिल रही है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। कहीं पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, पटाखों की दुकानों में आग लग गई है, तो कहीं टायर फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। ये चार तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहाँ टायर फैक्ट्री में आग लग गई, मुंबई में पटाखों से एक फ्लैट में आग लग गई, मध्य प्रदेश में धार में पटाखे की दुकान में आग लग गई। 21 दुकानें हैं जो जलकर के खाक हो गई हैं। तो वहीं हैदराबाद में भी पटाखा बाजार आग की भेंट चढ़ गया। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, वजह क्या है ये अभी तक नहीं पता लग पाया है। लेकिन ये आग का तांडव देखने को चार जगह पर मिला जहां पर भारी नुकसान हुआ है। तो सर, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में लपटों के तांडव की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से आग के तांडव की तस्वीरें आई हैं। एक टायर फैक्ट्री में आग लगी जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। रात करीब 11 बजे के आसपास की आग लगी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक फैक्ट्री पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुकी थी और धू धू कर जलने लगी। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन टायर फैक्ट्री थी। एक चिंगारी भी यहाँ पर किस तरीके से आग भड़का सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और कुछ यही हुआ, लेकिन वजह क्या है ये खुलकर साफ नहीं पता लग पाया। तो मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जहां पर धार जिले में मेला ग्राउंड में मंगलवार शाम पटाखों के बाजार में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आई पटाखे की 21 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग से करीब 10 लाख के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल की चार गाड़ियों की मदद से करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और SDM मौके पर पहुंच गए। तो दो जगहों की तस्वीरें आपने देखी हैं, यहाँ पर आग कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो मुंबई में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहाँ के गोरेगांव इलाके में हिना गोहरा नाम की रिहायशी इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो चौथी मंजिल तक आग की लपटे पहुंची। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो चूंकि हमने हैदराबाद का भी जिक्र किया था, तो वहां पर क्या हुआ इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हैदराबाद में पटाखों की दुकानों में आग लग गई जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग जलने की खबर बिहार से भी आ रही है। इस वक्त बिहार के कटिहार से ये खबर आ रही है जहां पर नगर थाना इलाके के बनिया टोले में फर्नीचर दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। देखते ही देखते चार दुकानें आग की चपेट में आ गई। राजीव रंजन है इस वक्त हमारे साथ इंडिया 24/7 संवाददाता। राजीव, ये आग लगी कैसे? जी देखिए, जो दुकानदारों के और स्थानीय लोगों का कहना था कि पटाखे की भी संभावना हो सकती है, कि पटाखे से भी आग लग सकती है, जबकि दूसरी तरफ से भी ये भी बात बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का बात हो सकता है। जो आग लगी है वो काफी भीषण थी, जिसके चपेट में चार दुकान जल गए। कितना नुकसान हुआ है राजीव इस आग से? देखिए, चार दुकानें जो जली हैं वहां लाखों की संपत्ति रखी हुई थी और अभी आंकलन किया जाना प्रशासन के द्वारा। किन चीजों की दुकानें थी ये? देखिए, जन वितरण प्रणाली के दुकान थी जहां अनाज रखे हुए थे, वितरण करने के लिए अनाज रखे हुए थे, किरासन तेल की गैलने रखी हुई थी। फर्नीचर के कारखाने थे जहाँ काफी शादी विवाह को लेकर ऑर्डर लिए गए थे। सोफे और पलंग की काफी भारी मात्रा में फर्नीचर की तैयारी करके रखी गई थी और जो आग जलकर खाक हो चुकी है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चार दुकानें जो आग की चपेट में आई जल करके खाक हो गई हैं, वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और दिवाली के दिन अब बात बुजुर्ग बम की। दिवाली के एक दिन पहले ही बीजेपी में बुजुर्ग बम फूटा है। बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा ने एक चिट्ठी के जरिए एक बड़ा धमाका किया है। इस चिट्ठी में तीनों नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व पर सवाल उठाया है। इस चिट्ठी से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। हालात यहां तक हो गए कि पार्टी के तीन पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा।
बिहार चुनाव में मिली हार के बाद दिवाली से एक दिन पहले ही बीजेपी में बुजुर्ग बम फूटा। तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी बचाव में आ गए। तीनों ने एक सुर में कहा कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन का स्वागत करेगी। बीजेपी में फूटा बुजुर्ग बम। पार्टी के जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बयान पढ़ा है। निश्चित रूप से पार्टी के सभी नेता बिहार के परिणाम से इत्तेफाक रखते हैं। पार्टी इस मुद्दे पर आगे भी कई प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेगी। पार्टी ने लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का कुशल नेतृत्व देखा है। पार्टी हमेशा हार और जीत की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से लेती रही है। आगे भी इस मामले में वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन का स्वागत करेगी। कहीं न कहीं संवाद में कमी है। सामान्य कार्यकर्ता इन बातों को देखता है तो दुखी होता है। इसलिए सभी जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो इकट्ठे बैठें, बड़े छोटों को स्नेह दें, छोटे बड़ों का आदर करें। बिहार में मिली हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा ने एक साझा बयान जारी करके पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। तीनों की तरफ जारी लेटर में लिखा कि बिहार में पार्टी को मिली करारी हार से ये साबित होता है कि पार्टी ने दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं लिया। दरअसल दिल्ली में भी बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को महत्व नहीं दिया था, यही बिहार में भी दोहराया गया। आने वाले समय में इन नेताओं की कोशिश होगी कि बीजेपी का प्रेसिडेंट किसी ऐसे नेता को बनाया जाए जो सरकार का पिछला गुना हो। तो ब्रेन अलाइव हो गए हैं, कोल्ड स्टोरेज में थे, अब निकल के गर्म हो गए हैं। अब इनकी गर्मी नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कितना ठंडा करती है तो आने वाले वक्त समय बताएगा। ये तो शुरुआत है, अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो पूरी बर्फ निकलनी बाकी है। देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक शाह है और एक तानाशाह है और फिर चार बुजुर्ग हैं जो अपनी जवानी तलाश रहे हैं। तो दीपावली के बाद ये एक अद्भुत सी रामलीला भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई है। बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विशेष स्थान पर रखकर दीपावली का दिया जलाया है। दरअसल मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी के मूल चरित्र में बदलाव आया है। पहले बीजेपी में इस तरह की कार्यशैली नहीं थी। इस समय बीजेपी संगठन व्यक्तिवादी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जबकि पहले ये हालात नहीं रहे। पहले बीजेपी संगठन काम करता था, जबकि आज व्यक्ति काम कर रहा है। ये देखें कि इन चारों के बयान को मिलाकर जो एक उन्होंने बात कही है कि इसकी जांच वो करें जिन्होंने कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया है, ये बहुत ही एक न्यायपूर्वक बात है। एक बात और है कि भाई ये इनका भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी वो नीचे आ रही है और साथ ही साथ घर के अंदर भी कहीं दरार पड़ रही है। उन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें। आपको याद होगा कि आडवाणी जी ने जब सुषमा स्वराज जी का मुद्दा चल रहा था तब भी उन्होंने रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जब इल्जाम लगे थे तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। इसका मतलब था कि आप पे इल्जाम लगे तो आप भी इस्तीफा दीजिए। तब भी बीजेपी के नेताओं ने आंखें भी बंद कर ली थी और कान भी बंद कर लिए थे। आज एक बार फिर उन्हीं लोगों ने दोबारा बीजेपी को रास्ता दिखाया। इसी बात को लेकर बार बार नाराजगी जाहिर की जा रही है। खुले तौर पर बैठकों में नाराजगी जाहिर की जा सकती है, वही चीज अब बिहार में देखने को मिली। संकेत साफ है कि बीजेपी को अपनी कार्यशैली पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो बीजेपी के तीन दिग्गज नेताओं की तरफ से जारी चिट्ठी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी में किसी नेता के बढ़ते कद से नाराज संघ ने हमेशा उन नेताओं को किनारे लगा दिया है। राम मंदिर आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा रहे कल्याण सिंह हो या मध्य प्रदेश की सीएम रही उमा भारती और कभी पार्टी में बड़ी हैसियत रखने वाले जसवंत सिंह हो, इसकी एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे कल्याण सिंह को 1999 में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी से विवाद के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी।
दब कल्याण ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और यूपी में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कल्याण सिंह पार्टी से बाहर निकलकर अपना फायदा नहीं कर पाए, लिहाजा 2004 में कल्याण सिंह बीजेपी में वापस लौट आए। लेकिन 2009 में कल्याण सिंह ने विवाद के बाद दोबारा पार्टी छोड़ दी। 2013 में कल्याण सिंह दोबारा बीजेपी में लौटे और बाद में उन्हें राज्यपाल बनाया गया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती के साथ भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के 10 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने वाली उमा भारती को अगस्त 2004 में हुबली कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 2006 में विवाद के बाद उमा ने बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में उमा की पार्टी बुरी तरह हारी। जून 2011 में उमा भारती बीजेपी में लौटी, लेकिन उनका कद पहले जैसा नहीं रहा। कभी पार्टी के टॉप नेताओं में शुमार रहे जसवंत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिन्ना पर जसवंत सिंह की किताब से हुए विवाद के बाद उन्हें 2009 में पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में आडवाणी उन्हें पार्टी में वापस लाए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया। पार्टी से बगावत कर जसवंत सिंह चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। किस तरीके से आप ये देखिए, जो बीजेपी है क्या वो अपने मूल चरित्र पर वापस जा रही है कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं। अगर कोई शख्स एक तरह से पार्टी से बड़े बनने की कोशिश होती है या हैसियत इस तरीके से होती है तो क्या उसे साइडलाइन किया जाएगा, ये जरूर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम कल देखें बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकजुट हुए, साझा बयान उन्होंने जारी किया और ये बात भी सामने रखी है एक जो अहमियत होती है पार्टी में बड़े नेताओं की वो क्या होती है, क्योंकि उन्हें किनारे किया गया, साइडलाइन किया गया और अब एक तरीके से क्या उसी पर वापस लौटने की तैयारी हो रही है। और इंडिया 24/7 एडिटर वासेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। वासेंद्र जी, क्या बीजेपी अब अपने उस पुरानी नीति पर चरित्र पर वापस लौटने की तैयारी में है जिसमें संगठन पार्टी ऊपर हुआ करती थी ना कि शख्सियत? देखिए श्वेता, पिछले कुछ दिनों के घटनाओं से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी और संघ परिवार शायद अपने उस पुराने नीति रीति और परंपरा जी पर चलने का मूड बना रहा है। जिस तरह से लगातार बिहार चुनाव के बाद पार्टी के आला नेतृत्व पर हमले तेज हो रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खुले तौर पर शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व क्षमता पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि संघ परिवार और पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका मौजूदा कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है जी। और शायद यही कारण है कि इसके पहले भी जब जब संघ और संगठन पर व्यक्तिवादी सोच हावी हुआ तब ऐसे व्यक्ति को या ऐसी ताकतों को हाशिए पर लाने का काम करता रहा संघ परिवार और संगठन जी। और इस समय भी कमोबेश वही स्थिति लगभग बन गई थी, तो शायद संघ परिवार और संगठन दोनों उस पुराने अपने फार्मूले पर वापस जाने का मन बना रहे हों जी। वासिंद्र जी, लेकिन उस पुराने फॉर्मूले पर वापस जाना और अभी जो स्थितियां हैं इसको एक तरीके से संभालते हुए आगे बढ़ना बीजेपी के लिए किस तरीके की एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वरिष्ठ नेता जो चिट्ठी जारी कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, कैसे आगे बढ़ पाएगी, कैसे अब उन तमाम चीजों को लेकर आगे चलना, कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए? देखिए, हम सबको भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के उस मूल चरित्र या कार्यशैली को समझना चाहिए और इतिहास पर नजर डालें अगर तो इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि जब जब संगठन पर व्यक्तिवादी सोच हावी हुई या जब जब व्यक्ति संगठन से बड़ा बनने की कोशिश करता रहा तब तब संगठन ने ऐसे व्यक्ति को हाशिए पर लाने का काम किया। शुरुआत अगर हम करें बलराज मधोक से तो बलराज मधोक, सुब्रमण्यम स्वामी से लेके उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें उदाहरण तो माधवकांत मिश्रा, कल्याण सिंह, इस तरह के तमाम ऐसे नेता रहे
जो कि अपने समय में बहुत ही कद्दावर माने जाते थे, और वहीं दूसरी तरफ गुजरात में अगर हम देखें तो चीमन भाई पटेल, केशुभाई पटेल से लेकर तमाम ऐसे नेता, कमोबेश इसी तरह की स्थिति बिहार में भी रही कि बिहार में तमाम ऐसे पार्टी के संस्थापक नेताओं को भी हाशिए पर लाने का काम हुआ जब लगा कि इन नेताओं का कद संगठन से बड़ा होता जा रहा है। और हालिया उदाहरण आडवाणी जी का था, जब आडवाणी जी ने जिन्ना पर अपनी अलग राय जाहिर की थी जो कि संगठन और संघ परिवार की राय से भिन्न था, तो आडवाणी जी को हाशिए पर ला दिया गया। तो अब देखना है कि पार्टी अपने उस इतिहास ऐतिहासिक जो उनकी कार्यशैली रही है और संघ परिवार जो कि समय समय पर बहुत ही रूथलेस तरीके से ऐसे नेताओं को हाशिए पर लाता रहा है जिन लोगों ने संगठन से बड़ा अपना कद बनाने की कोशिश किया, मौजूदा हालात में क्या निर्णय लेता है। बासिंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखने के लिए। तो बीजेपी में जब किसी भी नेता का कद बढ़ता है और अगर संघ नाराज होता है तो उसको कैसे साइडलाइन किया जाता है ये भी वाकई एक महत्वपूर्ण है, और अब किस तरीके से इस पर स्टैंड लिया जाता है ये वक्त के साथ तय हो